नमस्कार, मैं प्रिया। आज 9 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार जल्द ही करेगी ये काम। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल जाने से पहले जान ले ये नियम। इंटर पास अविवाहित लड़कियों के लिए खुशखबरी। बिहार के स्कूलों पर होगी सरकार। 20 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं लालू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार झारखंड के युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा मौका। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने हिंदी ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्तियां फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और IT इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर की जानी है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल जाने से पहले जान ले ये नियम। दुर्गा पूजा में भले ही इस बार बिहार में मेला लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पंडाल का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके तहत ही प्रशासन अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। खासकर इस बार पंडालों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश के तहत पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा आयोजन समिति को 2 गज की दूरी का पालन कराना होगा। प्रवेश द्वार के पास हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही ये भी साफ कहा गया है कि पंडाल में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया हो। साथ ही साथ सभी DM को किसी भी हाल में मेले की अनुमति नहीं देने की अपील भी की गई है। नियोजित शिक्षकों को मिली राहत, हेडमास्टर बहाली में होंगे शामिल। पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को अंतरिम राहत दे दी है और कहा है कि पिटिशनर्स सभी प्रावधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। बता दें कि TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और उसमें सुधार की मांग की है। केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत संघ को दे दी है। इस पूरे मामले को लेकर संघ के वकील कुमार शानू ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि पिटिशनर संगठन के सभी सदस्य अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट का फैसला अंतरिम रूप से जो होगा वही मान्य होगा। बिहार में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार जल्द ही करेगी ये काम। बिहार में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम करती आई है। वहीं इसी बीच अब बिहार के युवाओं को नीतीश सरकार ने खास ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है, जिसके तहत जल्द ही बिहार में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। इन केंद्रों पर युवाओं को उनके कौशल के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को राज्य सरकार अपने 7 निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत फिर से शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 15 से लेकर 25 साल के युवाओं को हिंदी और अंग्रेजी बोलने, समझने के साथ ही लिखना और बोलना भी सिखाया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ज्ञात हो, इस बार सरकार केंद्र खुलने के बाद इन केंद्रों का पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के जरिए पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करा प्रचार भी करवाने वाली है। अगले कुछ दिनों तक नहीं है बारिश के आसार। बिहार के मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 11 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहने के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के ऊपर हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर तक विस्तारित है। मौसमी प्रभाव के कारण अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में यानी कि पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के शेष भागों का मौसम सामान्य रहेगा। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर रेड। इन दिनों बिहार में कई विभागों के प्रतिनिधियों के घर पर रेड मारी जा रही है, जिसके तहत सरकार के नाम पर कई धन कुबेर भी सामने आए हैं। इसी बीच अब भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर और दफ्तर पर बीते दिन रेड मारी गई, जिसके तहत निगरानी ब्यूरो ने भवन निर्माण विभाग के पाटलिपुत्र डिवीजन के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की। बता दें कि उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत विजिलेंस ब्यूरो को दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि मदन कुमार पाटलिपुत्र डिवीजन में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में तैनात है। इनके ऊपर निगरानी विभाग ने 2,26,00,000 से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज किया है। निगरानी की विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और रुपए भी बरामद हुए हैं, जिनका आकलन फिलहाल किया जा रहा था।
बीपीएससी 67वीं भर्ती में बढ़ी 168 वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत पदों की संख्या को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, जिसके तहत आयोग ने इस बार 168 वैकेंसी का इजाफा किया है। इसको लेकर आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीपीएससी ने सीट बढ़ाने का काम किया हो। इससे पहले भी 1 अक्टूबर को ही 20 रिक्तियां और जोड़ी गई थी। 24 सितंबर को जारी किए गए 67वीं नोटिफिकेशन में 555 वैकेंसी थी। दो बार पदों की संख्या वृद्धि किए जाने के बाद अब वैकेंसी बढ़कर 723 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है, जो कि 5 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। अविवाहित लड़कियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार इंटर पास अविवाहित लड़कियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, जिसके तहत सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 4,12,469 इंटर उत्तीर्ण अविवाहित लड़कियों को बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपए का भुगतान अगले सप्ताह तक कर सकती है, जो कि डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 400 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी किया है। पिछले साल तक इंटर पास अविवाहित लड़कियों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें 10,000 रुपए भुगतान किया गया था। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए और स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। बिहार के जल मंदिर पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जल मंदिर पावापुरी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ये जैन धर्म के मतवालंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस खूबसूरत मंदिर का मुख्य पूजा स्थल भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका है। यह उस स्थान को इंगित करता है जहां भगवान महावीर के पार्थिव अवशेषों को दफनाया गया था। इसलिए अगर आप भी नालंदा राजगीर सैर करने जाएं, तो पास में सटे पावापुरी में भी जरूर घूमने जाएं। बिहार के स्कूलों पर होगी सरकार की नजर। बिहार के 2,865 स्कूलों पर सरकार की नजर रहने वाली है, जहां पर सरकार वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पहले चरण में जल संचय योजना के लिए इन स्कूलों का चयन किया है। इस योजना पर 6,40,00,000 रुपए खर्च होंगे और 1,11,20,000 रुपए जिलों को जारी किया जाएगा, जिसको सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। फिलहाल वैसे विद्यालय का चयन किया गया है जहां 3,000 वर्ग फीट भौतिक संरचना का निर्माण क्षेत्र उपलब्ध है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि चयनित प्रत्येक विद्यालय में 80,000 रुपए वर्षा जल संचय पर खर्च होगा, जिसके बाद राज्य सरकार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसकी निगरानी करेंगे। रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की उठी मांग। रामविलास पासवान की बीते दिन पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके तहत ही कई गणमान्य लोग भी इसका हिस्सा राजधानी दिल्ली में बनने पहुंचे थे। इसी बीच इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को गरीबों का मसीहा तो बताया ही, साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान को केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न देने की मांग की है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग साथ राजनीति किए हैं, रामविलास पिछड़ों की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंडल कमीशन के दौरान भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, वहीं उन्होंने इस दौरान चिराग को आशीर्वाद भी दिया। दिवाली छठ से पहले आसमान छू रहे हैं विमान के किराए। त्योहारों में घर आने वालों की लंबी कतार देखने को मिलती है, ऐसा ही हाल विमान सेवा का भी हमेशा रहा है। 3 नवंबर की अगर हम बात करें तो मुंबई से पटना आने के लिए स्पाइस जेट का किराया लगभग 7,500 रुपए है। वहीं विस्तारा के टिकट 10,000 के आसपास है। वहीं इंडिगो की बात करें तो इंडिगो का किराया भी 10,000 के आसपास है। गो फर्स्ट के तो दाम और भी ज्यादा है, जिसके तहत 3 नवंबर को घर आने वालों को लगभग 13,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं अगर हम छठ के बाद की बात करें तो विमान का किराया आधा हो गया है, जिसके तहत सभी विमान त्योहार के बाद आधा किराए की वसूली कर रहे हैं। बालिका पोशाक एवं साइकिल योजना के लिए जल्द ही मिलेंगे पैसे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और साइकिल योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 288,35,00,000 रुपए जारी कर दिए हैं। वहीं मैट्रिक परीक्षा 2021 में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले सामान्य कोटि के 29,810 और पिछड़ा वर्ग के 58,188 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 87,99,80,000 रुपए जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा में अध्ययनरत 15,27,126 और 11वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही 2,11,196 छात्राओं को 1,500 रुपए की दर से उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम में 95,55,96,300 रुपए भी जारी किए गए हैं। भाजपा के
की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए बिहार भाजपा के अधिकतर नेता। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसमें कई चेहरों को शामिल किया गया है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार भाजपा के अधिकतर नेताओं को शामिल किया गया है, जिसके तहत ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जगह हरीश द्विवेदी को बिहार भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में 26 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें 4 यानी कि संजय मयूख, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और बाबू प्रकाश पासवान बिहार से हैं। सभी 4 राष्ट्रीय कार्यसमिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विधान पार्षद मंगल पांडे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। वहीं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार भाजपा अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए मतदान के लिए पहुंचे मतदाता। बीते दिन पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद पंचायत चुनाव में कई कारनामे देखने को मिले। ऐसा ही एक कारनामा बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, जहां एक मतदाता ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए पहुंचा था, जिसको देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके तहत पटना के नौबतपुर के निजामपुर में एक बीमार व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वोट देने पहुंचा, जिसको लेकर वृद्ध मतदाता ने कहा कि वोट देना जरूरी है, इसीलिए बूथ तक तो आना ही था। इसी बीच एक मतदान केंद्र पर तो 100 वर्षीय वृद्ध महिला भी वोट डालने पहुंची थी, जिससे लोगों के बीच जागरूकता देखने को मिली। बीपीएससी परीक्षा में पास 8 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी हुई रद्द। बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट देखकर अभ्यर्थी तो बेहद खुश हुए, लेकिन 8 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी खुशी शोक में बदल गई, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से इनके उम्मीदवारी को ही रद्द कर दिया गया है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलत जानकारी देकर फॉर्म भरने का काम किया था। ये 8 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने का दावा किया था, लेकिन जांच में ये गलत पाया गया है। प्रतिक्रिया के तहत बीपीएससी ने 8 अभ्यर्थियों की जांच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और IGIMS में करवाई, जहां जांच के बाद इनका दावा गलत पाया गया, जिसके बाद ही अब इनकी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया गया है। नीतीश और राज्यपाल फागू चौहान ने नम आंखों से दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। बीते दिन रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके तहत पशुपति पारस ने पटना में तो चिराग ने दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहीं पशुपति पारस द्वारा पटना में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बने सीएम नीतीश और फागू चौहान भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक एक रामविलास पासवान की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वहां केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, सांसद प्रिंस राज सहित तमाम लोजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी देखने को मिले, जिसके बाद मीडिया से बातचीत भी सीएम नीतीश ने की और कहा कि यह उनकी उम्र नहीं थी, वो बहुत जल्द ही हम सबको छोड़कर चले गए। रामविलास जी ने जो काम किए हैं, जिस तरह से लोगों के विश्वास को जीता था, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। 20 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आखिरकार बिहार में राजद कार्यकर्ता और समर्थकों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद उनके मुखिया जल्द ही बिहार आने वाले हैं और इस बार उनका आगमन तय है। राजद के कद्दावर नेता और लालू के करीबी माने जाने वाले विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव 20 अक्टूबर को बिहार आएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन राजद विधायक दल की बैठक के दौरान उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि लालू यादव कब बिहार आएंगे, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने तुरंत देते हुए कहा कि लालू यादव 20 अक्टूबर को बिहार आएंगे। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी अपने चहेते नेता का दीदार करने के लिए अभी से ही आतुर दिखने लगे हैं। उनके स्वागत को लेकर तरह तरह की बातें भी कही जा रही हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां बिहार में जारी है। इन सबके बीच अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर दी है, जिसके तहत जिस बात की उम्मीद थी वही सही साबित हुई। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू को भी इसमें शामिल किया गया है। ज्ञात हो चुनाव आयोग 30 अक्टूबर को उपचुनाव करा रहा है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। 8 अक्टूबर नामांकन का अंतिम तारीख था और 13 अक्टूबर तक लोकसभा और 16 अक्टूबर तक विधानसभा सीटों के लिए नाम वापस लिए जा सकेंगे। राहुल गांधी और लालू यादव ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में चिराग पासवान द्वारा रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती पहुंचे, जिसके तहत इस दौरान
इन सभी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इसके लिए चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि सभा में राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया था। ज्ञात हो कि 12 सितंबर को सांसद चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की पहली बरखी भी मनाई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1920 में अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित आज के दिन हुआ था। 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा आज के दिन की थी। 2006 में ही भारतीय राजनेता काशीराम ने दुनिया को अलविदा कहा था। 1945 में आज के दिन वादक अमजद अली खान का जन्म हुआ था। शाहजहां और मुमताज महल नूरजहां का सबसे छोटा पुत्र मुराद बख्श का जन्म भी 1624 में आज के दिन हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन ने 2015 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। टीम इंडिया की नई जर्सी को लेकर बीसीसीआई ने दिया अपडेट। 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान की सरजमी पर T20 विश्व कप का आगाज होना है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। विराट कोहली एंड कंपनी T20 विश्व कप में नए खिलाड़ियों के साथ नई जर्सी में भी नजर आने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐलान किया है कि टीम इंडिया की नई जर्सी 13 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। भारत इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और कोहली की अगुवाई में टीम को खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,950 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,130 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.92 रुपए प्रति लीटर और साथ ही डीजल के दाम 97.88 रुपए प्रति लीटर था। वायु परिवर्तन के बारे में गलत जानकारी देने वाले एडवर्टीजमेंट्स को नहीं पोस्ट करने की कही बात। टेक कंपनी गूगल ने अपने सर्च इंजन और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जलवायु परिवर्तन के बारे में गलत सोचने वाले वीडियोस को और विज्ञापन को पोस्ट नहीं करने का ऐलान किया है। कंपनी के इस कदम से गलत जानकारी को फैलने से रोका जा सकेगा। बता दें कि इससे पहले यूट्यूब ने कोरोना वायरस की गलत जानकारी देने वाली लाखों वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया था। गूगल ने कहा है कि ऑनलाइन पोस्ट होने वाले विज्ञापन में दुनिया के तापमान बढ़ने को गलत बताया जा रहा था, साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित गलत जानकारी साझा की जा रही है। अभी जेल नहीं रहेंगे आर्यन खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को बीते दिन खारिज कर दिया गया है। आर्यन के साथ ही साथ अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल में रहना होगा। याद दिला दे कि ये पूरा मामला क्रूज शिप पर पार्टी करने से जुड़ा है, जहां पर इन युवाओं को आपत्तिजनक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। इस बाबत ASG सिंह ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि लोग कितनी आसानी से बातों में आ जाते हैं और क्या इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है टुनटुन यादव, मनीष मोहरा, कुमार आशीष, ऋषि कुमार, मनीष कुमार, राधेश्याम बौद्ध, नुनू कुमार, सुनील कुमार, शिवशंकर यादव, अनिल कुमार, अनवर करीम खान, राजेश सोंथियाल, रुखसार बेगम, कविता कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार हमारे द्वारा पेश किए जा रहे बिहार की 25 खबर में कौन कौन से बदलाव की अभी भी जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।